हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से आपके होम साइंस में क्वेश्चंस आने वाले हैं। आपके होम साइंस का क्वेश्चन पेपर किस तरह से होगा, ये हम आपको क्लास 12 वालों को बताने वाले हैं। क्लास 12 में आपके होम साइंस के एग्जाम में किस किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सारी जानकारी हम आपको आज देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। इससे पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यह दोस्तों आपके मॉडल पेपर सेकेंड, जो कि आपके होम साइंस का सेकंड मॉडल पेपर है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके आप पिछली वीडियो देख सकते हैं, जहां पर आपको पूरी तरह से हिंट दिया हुआ है किस तरह से क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, कहां कैसे अटेम्प्ट करना है, हमने पिछली वीडियो में बताया हुआ है। तो अगर आपने हमारी वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वो वीडियो देख लीजिए। समय आपको मिलते हैं क्वेश्चन हल करने के लिए 3 घंटे 15 मिनट का। निर्देश आपको मॉडल पेपर जो फर्स्ट में हमने निर्देश दिया है उसी के समान ही इसमें भी निर्देश है। पूर्णांक आपका कुल 70 नंबर का है। 30 नंबर आपको आपके इंटरनल एग्जाम से मिलेगा, यानी कि आपके जो प्रयोग वाली चीज है वहां से मिलने वाला है। इसमें 4 टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, आपको पता ही है। बहुविकल्पीय क्वेश्चन, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चन। बहुविकल्पीय क्वेश्चन कुल 4 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, एक एक क्वेश्चन में 5-5 क्वेश्चन होते हैं, यानी कि कुल आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं लघु उत्तरीय विकल्प में, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में, जिसके लिए आपको हर क्वेश्चन का 1 नंबर मिलता है। इस हिसाब से आपके कुल 20 नंबर, जैसे आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है इसमें कुल 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और कितने नंबर के हैं, सब एक एक नंबर के, यानी कि इस हिसाब से सब 5 नंबर के हुए। इस हिसाब से आपका देखिए 2 नंबर क्वेश्चन भी आपका सब ऑब्जेक्टिव है। आगे देखते हैं, इसमें भी 5 क्वेश्चन है, और तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है उसमें भी 5 ही क्वेश्चन है, और इस तरह से चौथे में भी 5 क्वेश्चन है, और इस आधार पर आपके कुल 5 × 4 20 नंबर के क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप हैं। और इसके बाद अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन शुरू होता है, जिसमें कुल 10 क्वेश्चन होते हैं, जिनमें हर क्वेश्चन के लिए आपको एक एक नंबर मिलता है, यानी कि 10 नंबर आपको यहां से, 20 आपको ऑब्जेक्टिव से, 10 अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन से मिलता है। और जो नेक्स्ट जो आपका है लघु उत्तरीय क्वेश्चन, लघु उत्तरीय क्वेश्चन कुल आपके 10 क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं 10 से 14 तक 5, हर में दो दो, हर क्वेश्चन में दो दो क्वेश्चन है, यानी कि कुल मिला करके आपका 10 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 नंबर, यानी कि पूरी तरह से लघु उत्तरीय में आपको 20 नंबर मिलने वाले हैं। और विस्तृत उत्तरीय में भी आपसे 4 क्वेश्चन पूछे हुए हैं, चारों के लिए 5-5 नंबर है, यानी कि 20 नंबर आपको विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चन से मिलने वाले हैं। इस तरह से कुल मिला करके आपका 70 नंबर का क्वेश्चन पेपर संपूर्ण होता है। तो दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस जो आपको हैं, दूध से दही कैसे बनता है, मानव शरीर की रचना कैसी है, ये सारे क्वेश्चन हम आपको आगे कवर करवाने वाले हैं। तो प्लीज, अगर आप चैनल पर नए आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस पर आपको और आगे जो आपकी वीडियोज हैं वो मिलती रहेंगी, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड सारी जानकारी आपको आगे मिलती रहेगी। तो अगर आप चैनल पर नए आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा।